आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद से अच्छे होंगे। बहुत ज्यादा संख्या में आप सभी का एक सवाल आया है कि ऐसी क्या पूजा करें कि बाबा श्याम खुश हो जाए, या फिर ऐसा क्या करें जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, या फिर बाबा श्याम की जोत कैसे लेनी है, जोत कैसे जलानी है, बाबा श्याम को भोग कैसे लगाना है। आज की इस वीडियो में हम आपको बाबा श्याम की विशेष पूजा विधि बताएंगे जो कि एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को की जाती है। प्रेमियों, ज्यादातर प्रेमी जानते लेकिन कुछ प्रेमी नहीं जानते कि बाबा श्याम की एकादशी की पूजा नहीं होती, बाबा श्याम की द्वादशी की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि फाल्गुन की जो द्वादशी थी शुक्ल पक्ष की, उस दिन बाबा ने शीश का दान दिया था। एकादशी को नहीं दिया था, द्वादशी को दिया था। तो बर्बरीक की पूजा यानी श्याम पूजा केवल द्वादशी को होती है। एकादशी को हम क्या करते हैं? एकादशी को हम श्री विष्णु भगवान के ही नाम से व्रत रखते हैं ताकि हमारा तन मन धन शुद्ध हो सके और हम अगले दिन की पूजा के लिए अपने आप को तैयार कर सके। उसके साथ आपने सुना होगा कि बाबा श्याम को खीर चूरमे का भोग लगाया जाता है। तो जब एकादशी के दिन हमारा व्रत है तो बाबा का भी व्रत है, और व्रत है तो खीर चूरमे का भोग कैसे लगा दिया आप लोगों ने? नहीं हो सकता, उस दिन तो फलों का ही भोग लगाया जाएगा, तो फिर वो पूजा कैसे मानी गई? तो एकादशी को बाबा की पूजा नहीं होती, एकादशी को बाबा का व्रत होता है, और द्वादशी को बाबा की पूजा की जाती है। किस समय की जाती है? हम आपको बताते ना हर बार कि ये समय व्रत खोलने का समय है, व्रत पालन करने का समय है, उस समय बाबा श्याम की द्वादशी की पूजा की जाती है। और जो इन प्रेमियों के बाबा श्याम कुल देवता है, उन्हें पता है अच्छी तरीके से कि बाबा श्याम की पूजा द्वादशी को ही होती। आप खाटू चले जाओ, चुलकाना चले जाओ, या हमारे यहाँ हिसार हरियाणा आ जाओ, श्री श्याम शाड़वा धाम आओ, या बीड़ बबरान धाम आओ, आप वहां देखोगे जो वहां के लोकल लोग हैं, जो लोकल प्रेमी है जिनके कुल देवता बाबा श्याम है, वो एकादशी की बजाय आपको द्वादशी को धोखा लगाते हुए नजर आएंगे। गांव की महिलाएं भी, गांव के पुरुष भी। क्यों? क्योंकि उनको वास्तविक रूप से पता है कि बाबा की पूजा द्वादशी को होती है। ये तो कुछ हमारे जैसे यूट्यूबर या फिर कलाकारों की वजह से एकादशी 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 कर दिया गया है, ऐसा रियल में कुछ भी नहीं है। केवल द्वादशी को ही बाबा की पूजा होती है, वो भी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को। ठीक है, जब हम अपना व्रत खोलते हैं तो अब हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा कोशिश करेंगे जैसे हम करते हैं ना वैसे आपको बताने की चेष्टा करेंगे। अगर इस दौरान कोई त्रुटि हो तो हम आपसे पहले ही माफी चाहते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जब हम अपना व्रत खोलते हैं तो क्या भोग लगाते हैं बाबा? खीर का, चूरमे का, हलवा पूरी, या सब्जी रोटी, या फिर खासकर मूंग चावलों की खिचड़ी, यही भोग बनता है लगभग हमारे सभी के घरों में। ऐसे में हमें क्या करना है? सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले तो अपने पूजा स्थान की सफाई करनी है। उसके साथ बाबा श्याम और बाबा हनुमान दोनों की प्रतिमा होनी चाहिए हमारे घर में। वो फोटो होनी चाहिए जिसे दीवार पर लगाया जा सकता है, जो लड्डू गोपाल की तरह होती है वो फोटो नहीं होती। बाकी इस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे, आपके घर में जो है आप कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले आपको दो दीपक जलाने हैं, बाबा श्याम का भी बाबा हनुमान का भी। दो दीपक होते हैं, किसी भी मंदिर में चले जाना, बाबा हनुमान की पूजा होती मिलेगी। और जिस प्रकार श्री गणेश भगवान के बगैर पूजा शुरू नहीं होती, बाबा हनुमान के बगैर कभी कोई पूजा पूरी नहीं होती, तो श्याम और हनुमान दोनों की पूजा होगी। जैसा हम करते हैं वैसा हम आपको बता रहे हैं। अब सबसे पहले दो दीपक रखने हैं, वो भी मिट्टी के। उनके अंदर आपको घी डालना है, बाती रखनी है। अब आपको गाय के गोबर से तैयार किया गया एक उपला का जो छोटा सा टुकड़ा होता है, जिसे हम कंडा भी बोलते हैं, उसे गर्म कर लेना है आपको। छोटे से टुकड़े को इतना गर्म कर लेना कि उसके अंदर से धुआं निकलना बंद हो जाए, यानी वो पककर पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। अब अपने पूजा स्थान पर आप एक आसन लगाइए, बाबा पहले से विराजमान है, आसन लगाकर बैठना है, नीचे जमीन में नहीं बैठना है। क्यों नहीं बैठना है? क्योंकि जमीन में बैठने से हमारी जो ऊर्जा होती है, हमारा जो पूजा का फल होता है, उसे धरती माता ग्रहण कर लेती है। इसलिए कभी भी डायरेक्ट जमीन पर नहीं बैठा जाता, आसन लगाकर फिर उसके ऊपर बैठा जाता है। आसन लगाइए, बैठ जाइए। अपने पास एक लोटे में जल डालकर रखना है आपको, तुलसी दल लेना है आपको। आपने जो भी भोग बनाया है, मूंग चावलों की खिचड़ी है, खीर है, चूरमा है, हलवा पूरी, जो कुछ भी भोग आपके पास है उस भोग को आप अपने पास रख लीजिए। जो कंडा है, उपला है, उसको भी अपने पास रख लीजिए। हाथ में छोटी घंटी जो मंदिर में रखते हैं वो जरूर होनी चाहिए। जब तक घंटी नहीं बजेगी और तुलसी दल नहीं होगा, तब तक भगवान भोग नहीं लगाते, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अब आप अलग से धूप जलाना चाहो तो जला सकते हो, कहीं से आपके पास फूल है फूल भी आप ले सकते हो, नहीं है कोई जरूरी नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? भगवान श्री गणेश का ध्यान करना होगा, इतना ही बोलना है। चलिए करते हैं श्री गणेश, बस इतना बोलना है, श्री गणेश हो चुका है। सबसे पहले आप तिल्ली जलाइए, तिल्ली जलाते ही दूसरे हाथ में तुरंत घंटी आ जानी चाहिए, घंटी बजती रहे। और सबसे पहले बाबा श्याम और बाबा हनुमान के दीपक को प्रज्वलित करिए। अगर आप सबसे पहले बाबा श्याम के दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो तो बोलना कि हे बाबा श्याम, माता मोरवी को दिए गए दोनों वचनों को याद करिए,
एक हारे का सहारा बनूंगा, दूसरा किसी ने कुछ भी मांग लिया इनकार नहीं करूंगा, और तुरंत जागृत स्वरूप में विराजमान हो जाइए, क्योंकि इस पावन पवित्र द्वादशी के उपलक्ष्य में हम आपको भोग लगा रहे हैं। फिर बाबा हनुमान का दीपक जलाते समय बोलना है, कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं होई ताप तुम भाई, कि बाबा हनुमान संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, अतः अपनी शक्तियों को याद करिए और तुरंत जागृत स्वरूप में विराजमान हो जाइए, क्योंकि इस द्वादशी के पवित्र अवसर पर हम आपको और बाबा श्याम को भोग लगा रहे हैं। बाबा श्याम जागृत हो चुके हैं, आप भी जागृत हो जाइए। ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि बाबा हनुमान को सिर्फ एक ही श्राप लगा था कि हनुमान तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे, लेकिन जब कोई तुम्हें याद कराएगा तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। उसी प्रकार हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलानी है और बाबा श्याम को भी उनके द्वारा दिए गए दो वचन याद दिलाने हैं। इससे दोनों शक्तियां जागृत रूप में वही विराजमान हो जाएंगी। उसके बाद घंटी बज रही है। सबसे पहले आपके पास जो भी भोग है, इन दो उंगली ये और अंगूठा, इन तीन उंगलियों के माध्यम से भोग उठाओ, और ऐसे करके जैसे हवन में आहुति डाली जाती है, ऐसे आप जो उपला रखा है उस हवन रूपी उपले के ऊपर आप आहुति डालोगे, यानी उस भोजन को रखोगे। रखते ही उस भोजन के ऊपर थोड़ा सा घी डालना है आपको। कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा करके तीन बार घी डाला जाए। उस दौरान आप कोई भी जैसे ओम नमः शिवाय, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री गणेश, किसी भी मंत्र का जो भी आपको आता हो, नहीं आता जय श्री श्याम, जय श्री राम, राम राम, सीता सीता, हरे हरे, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, कुछ भी जो भी आपको आता हो वो बोल सकते हो, क्योंकि भगवान एक है, सभी के नाम एक है। ठीक है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। घंटी बज रही है, याद रहे घंटी बज रही है, तब तक घंटी बजनी बहुत जरूरी है। अब जो तुलसी दल है, उस तुलसी दल को उस उपले के ऊपर रख दीजिए, उसका भी आप यज्ञ में आहुति डाल दीजिए। अब एक या डेढ़ मिनट बाद आप देखोगे कि वो उपला प्रज्वलित हो उठेगा। उस समय आपके पास जो रखा हुआ लोटा है, घंटी नीचे रख दीजिए, लोटे का जल अपने दाएं हाथ में लीजिए और एक फेरी लगाइए। सिर्फ एक फेरी लगानी है उस उपले के बाहर से। कोशिश करिए पूरे मंदिर के बाहर से फेरी हो सके, जो आपकी फोटो है वो भी उस फेरी के अंदर आ सके। इससे क्या होगा, इससे आपने जल भी समर्पित कर दिया, भोजन समर्पित किया तुलसी दल के साथ, और आपने जल भी दिया बाबा को पीने के लिए। तो ये एक पूर्ण भोग माना जाएगा, पूर्ण आहुति मानी जाएगी, पूर्ण रूप से ज्योति लेना इसी को कहते हैं। अब उसके बाद आप वहां बैठकर किसी भी प्रकार से, जैसे बाबा श्याम की आरती है, चौपाइया है, स्तुति है, चालीसा है, पाठ करिए। उसके बाद आपको बाबा हनुमान की आरती और बाबा हनुमान की चालीसा जरूर पढ़नी है। इससे आपका जो भोग है, आपकी जो पूजा है, वो संपन्न मानी जाती है। ये सब कुछ करने के बाद आप वहीं बैठे रहिए, उठना नहीं है आपको, कम से कम डेढ़ से दो मिनट वहीं बैठे रहना है। उस डेढ़ से दो मिनट में आप क्या करोगे, अपने हाथ में जल लेकर बाबा को बताओगे, बाबा मेरा ये काम था, मैंने आपकी पूजा करके आपका भोग लगा दिया है और व्रत भी मेरा खुल चुका है, तो अब आप मेरा संकल्प पूरा कर दीजिए। जल को नीचे डाल दीजिए उंगलियों के माध्यम से और वहीं से थोड़ा सा जल पीजिए, और जो भोग आपने लगाया है उसी भोग को या तो आप गौ माता को दीजिए या उसको आप खुद भी खा सकते हैं, क्योंकि अब वो भोग भोग नहीं रहा, अब वो अमृत बन चुका है। तो दो मिनट, डेढ़ से दो मिनट आप उसी आसन पर बैठे रहोगे। अब आसन पर बैठे रहने का मतलब क्या है, उस समय हमारे शरीर में दैवीय शक्ति वास कर रही होती है। अगर हम वहां से उठे, क्योंकि कुछ प्रेमी ये भी बोलते हैं कि भगवान को भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए, अगर आप उठकर जाओगे तो आपके नंगे पांव जमीन पर टिकेंगे, जमीन पर टिकेंगे तो आपके द्वारा अर्जित किया हुआ जप और पूजा जो थी उसका पूरा फल पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। आपको उठना नहीं है, आंखें बंद कर लीजिए, श्याम चालीसा, चौपाइया, स्तुति पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए सेवा। धीरे धीरे बाबा भोग भी लगा लेंगे, उसके बाद आपको उठना है। उठने से पहले आपके आसन को आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करना है और अपना माथा वहां जरूर रखना है आसन पर। इससे क्या हुआ, इंद्र को जब भी कोई भी भक्त भगवान की तरफ चलता है, पूजा करता है, तो सबसे ज्यादा चिंता इंद्र को होती है। तो इंद्र ने भगवान से क्या वरदान ले लिया कि जो कोई भी पूजा करे उसका फल मुझे मिलना चाहिए। भगवान ने वरदान दे दिया, लेकिन कहा अगर किसी ने भी पूजा करके उस आसन को प्रणाम कर लिया या फिर एक शब्द बोल दिया, जैसे कि आपने कई बार हमारे मुख से सुना होगा ओम शक्राय नमः या फिर ओम इंद्राय नमः, ये शब्द बोल दिया, तो उसकी पूजा का पूरा फल उसी व्यक्ति के पास रहता है। तो आप कुछ भी ना कर सको तो उस आसन को प्रणाम जरूर करना, अपना माथा उस आसन के ऊपर जरूर रखना है। जो भी मनोकामना है भगवान को बताइए और डेढ़ से दो मिनट के बाद फिर आप आराम से उठकर जो भोजन आपके हाथ में है या तो आप गौ माता को खिलाइए, गौ माता नहीं है आसपास तो जो अन्य भोजन था उसमें मिला लीजिए उसको। अब वो भोजन भोजन नहीं रहा,
अब वो पूर्ण रूप से अमृत बन चुका है। पूरे परिवार में भी बांटिए, आप भी खाकर अपना व्रत खोलिए और बाबा की जय जयकार लगाते रहिए। तो यह थी द्वादशी को अपना व्रत खोलने की संपूर्ण विधि, बाबा श्याम को शीघ्र प्रसन्न करने की संपूर्ण विधि, बाबा श्याम की जोत लेने की विधि और बाबा श्याम की पूजा करने की विधि। अब अगर आप अपने आप को सच्चा श्याम प्रेमी मानते हो और कोई सेवा करना चाहते हो बाबा श्याम की, तो इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इतना फैला दो कि हर एक प्रेमी को द्वादशी के दिन यह सेवा करके उसकी मनोकामना पूर्ण होने का मौका मिल सके। जय श्री श्याम।